Good morning, students. Today I will going to teach English language. Chapter number 4, Going Solo, a story from Roald Dahl's life. At the aerodrome means a small airport. At the aerodrome, we had three instructors and three planes. एक छोटा सा एयरपोर्ट में थ्री इंस्ट्रक्टर था और थ्री प्लेन्स था. द इंस्ट्रक्टर वाज सिविल एयरलाइंस पायलट बोरोड बाय द आरएएफ फ्रॉम ए स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी कॉल्ड विल्सन एयरवेज. तो जो सिविल इंस्ट्रक्टर था, सिविल मीन्स देखो कनेक्टेड विद स्टेट रदर देन विद द आर्म फोर्सेस. ये जो सिविल इंस्ट्रक्टर था एयरलाइंस, ये विल्सन एयरवेज का एक डोमेस्टिक कंपनी था आरएएफ फ्रॉम, इससे हायर किया गया था ये सिविल इंस्ट्रक्टर पायलट्स को. तो सिविल इंस्ट्रक्टर पायलट्स आर बोरोड फ्रॉम आरएएफ फ्रॉम द स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी. ये आरएएफ से जो बोरोड किया था सिविल इंस्ट्रक्टर पायलट्स को, तो ये एक डोमेस्टिक कंपनी था जिसका नाम था विल्सन एयरवेज. द प्लेन्स वेयर टाइगर मोथ्स. द टाइगर मोथ इज और वॉज ए थिंग ऑफ ग्रेट ब्यूटी. ये देखने में बहुत ही सुंदर था. एवरी वन हु हैज एवर फ्लोन ए टाइगर मॉथ हैज फॉलन इन लव विद इट. जो एक बार ये टाइगर मॉथ पे चढ़ता था वो इसको बहुत प्यार करता था. इट इज ए टोटली एफिशियंट एंड वेरी एरोबेटिक लिटिल प्लेन पावर्ड बाई ए गिप्सी इंजिन. एंड एज माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, ए गिप्सी इंजिन हैज नेवर बीन नो टू अ फेल इन मीडियर. एरोबेटिक मीन्स एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट. कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, जटिल सिचुएशन में भी ये मूव कर सकता था. तो ये जो टाइगर मोड था ये बहुत ही एरोबेटिक था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मूड में भी परफॉर्म कर सकते थे. एंड पावर्ड बाई ये जिप्सी इंजिन, इसका जो इंजिन था ये जिप्सी इंजिन था. और सिविल इंस्ट्रक्टर जो था उन्होंने बताया कि जिप्सी इंजिन हैज नेवर बीन नोन टू फेल इन मीडियर. ये मीडियर में कभी भी फेल नहीं करते. You could throw a tiger moth about all over the air and nothing ever broke. ये all over the air में बहुत स्मूथली चलता था, कभी गिर नहीं जाते. You could glide it upside down, hanging in your straps for minute or end. That through the engine cut out when you did that, because the carburetor was also upside down. The motor started again at once when you turned her right way up again. ये कैसे मूव करता था इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. कैसे ये फॉर अ मिनट ये स्ट्रैप्स करता था, कैसे ये इंजिन जो था इसका, जो गिप्सी इंजिन था, ये कट डाउन करता था. और क्यूबरेटर जो है, क्यूबरेटर मीन्स इसका जो गिप्सी जो इंजिन था उसका एक पार्ट का नेम था क्यूबरेटर. क्यूबरेटर कैसे अपसाइड में डाउन हो जाता था और देन इसका जो मोटर है, इंजन का जो मोटर है वो फिर से स्टार्ट हो जाता था और फिर से फ्लाई करता था. तो एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे होता था. ये सब ये कैसे फ्लाई करता था इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. यू कुड स्पिन हर वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉर थाउजेंड ऑन फीट. वर्टिकली मीन्स ऊपर नीच. तो ये जो प्लेन था ये वर्टिकली ऊपर और नीच होता था थाउजेंड्स ऑफ फीट. नीचे सरफेस से थाउजेंड्स फीट ऊपर नीच होते थे. वेन ऑल द नीडेड वॉज ए टच ऑन द रूडर, ए बीट ऑफ थ्रोल एंड द स्टिक पुश्ड फॉरवर्ड आउट द केम इन ए कपल ऑफ फ्लिप्स. वेन फ्लाइंग ए मिलिटरी एरोप्लेन, जब मिलिटरी एरोप्लेन फ्लाई करता है, यू सीट ऑन योर पैराक्यूट. जब हम उसका जो पैराक्यूट थे उसके ऊपर बैठते थे. विच एड्स अनदर 6 inches टू योर हाइट. वो जो बैठता है उसका हाइट से और भी 6 inches ऊंचाई है. वेन आई गॉट इन टू द ओपन कॉकपिट. ये राइटर बोल रहा है. गॉट इन टू द ओपन कॉकपिट. ये जो कॉकपिट कहाँ किसको बोलता है, जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसको बोलता है कॉकपिट. और फिर टाइगर मॉथ, टाइगर मॉथ मीन्स प्लेन का नाम. फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेट डाउन ऑन माई पैराक्यूट, माई एंटायर हेड स्टक अप इन द ओपन एयर. तो जब ये कॉकपिट में बैठता है
और उसका उसका जो कॉकपिट के पास उसका जो पैराक्यूट था उसमें जब ये बैठते थे तो उसका जो हेड ओपन एयर में बिल्कुल उठते रहते थे. ए इंजन वॉज रनिंग एंड आई वॉज गेटिंग ए रश ऑफ विंड फुल ऑफ द फेस फ्रॉम द स्लिप स्ट्रीम. स्लिप स्ट्रीम मीन्स द स्ट्रीम ऑफ एयर बिहाइंड द व्हीकल्स दैट इज मूविंग फास्ट. दैट मीन्स वो जो व्हीकल्स घूमते थे उसमें जो एयर पास होते थे मूविंग द एयर बहुत ही फास्ट होते थे और उसमें उसका जो माथा हेड है उसको चक्कर आते थे क्योंकि वो उसके पास ही बैठते थे. यू आर टू ऑल द इंस्ट्रक्टर हुज नेम वॉज फ्लाइंग ऑफिसर पार्किंसन सेड आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस. तो ये जब उसका जो माथे पे चक्कर आ रहा था तब और माथा घूम रहा था तब ये जो फ्लाइंग ऑफिसर था उसका नाम था पार्किंसन वो बोल रहे थे कि तुम क्या कंफर्म हो तुम ये कर सकोगे. यस प्लीज आई सेड. राइटर ने बोला हाँ हम कर देंगे. वेट टिल वी रिव अप फॉर टेक ऑफ पार्किंसन सेड यू शैल हैव ए जॉब टू ब्रेथ एंड कीप दोज गॉगल्स डाउन और यू शैल बी ब्लाइंडेड बाय वाटरिंग आईज. तो उन्हें पार्किंसन ने बोला तुमको बहुत सावधानी से ब्रेथ लेना पड़ेगा. ब्रेथ मीन्स जो हम ब्रेथ करते हैं सांस लेते हैं वो बहुत ही ये बहुत ही टफ जॉब है क्योंकि वो जो गॉगल्स आता है एयर में उसमें ब्लाइंडनेस आ जाता है. पार्किंसन वाज राइट ऑन द फर्स्ट फ्लाइट आई वाज ऑलमोस्ट एस्फिक्सिएटेड बाय द स्लिप स्ट्रीम एंड सर्वाइव ओनली बाय डकिंग डाउन इन द कॉकपिट फॉर डीप ब्रेथ एवरी फ्यू सेकेंड्स. तो एस्फिक्सिएशन मीन्स मेड अनकॉन्शियस ऑन बीइंग अनेबल टू ब्रेथ. इतना ऊंचाई पे वो जाता था उसके में इतने जोर से हवा आते थे कि वो अनकॉन्शियस हो गए मतलब सेंसलेस हो गए थे और अनेबल टू ब्रेथ सांस लेने नहीं पाते. जो पार्किंसन ने बोला था कि तुम क्या ये जॉब कर पाओगे ये बहुत ही टफ है ब्रेथ लेना तब तो वो बोल दिए थे कि हाँ हम कर देंगे पर ये बहुत ही उस पर भारी पड़ा कि वो जो मूविंग है फर्स्ट मूविंग एयर था उसमें वो अनकॉन्शियस भी हो गए थे और उसको ब्रेथ लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे. आफ्टर दैट आई टाइड ए थिन कॉटन स्कार्फ अराउंड माई नोज. तब उन्होंने क्या किया एक जो पतला कॉटन का स्कार्फ है उसको नोज में बांध लिया एंड माउथ में भी मुंह में भी बांध लिया एंड दिस मेड ब्रीदिंग पॉसिबल. तब जाके उन्हें थोड़ा थोड़ा सांस लेने पॉसिबल हुआ. सो टुडे अप टू दिस नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 50. थैंक यू.